नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। इछावर क्षेत्र के किसानों को आजादी के बाद पहली बार इछावर की मंडी में सब्जी बेचने सौगात मिली, जहां फीता काटकर नीलामी की शुरुआत की गई। क्षेत्र में किसानों को अपनी कृषि उपज इछावर की सब्जी मंडी में बेचने का मौका मिला, जहाँ इछावर क्षेत्र के किसान बड़ी संख्या में सोमवार को अपनी कृषि उपज प्याज लहसुन लेकर पहली बार इछावर सब्जी मंडी बेचने के लिए पहुंचे, जहां अपनी प्याज लहसुन की नीलामी में पहले दिन अच्छी कीमत भी मिली है। आपको बता दें कि इछावर में लंबे समय से सब्जियां बेचने के लिए क्षेत्र के किसानों को भोपाल सीहोर आष्टा जाना पड़ता था। सोमवार को पहली बार इछावर की सब्जी मंडी में प्याज लहसुन बेची। सोमवार को मंडी में भीड़ भाड़ देखकर ऐसा लग रहा था कि आने वाले दिनों में आवक भी बढ़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। वहीं आज सोमवार को पहले दिन सबसे ज्यादा आवक प्याज की रही, जहाँ इछावर मंडी में पहले दिन 102 क्विंटल प्याज की आवक रही, जबकि लहसुन की आवक 32 क्विंटल की रही है। वहीं इछावर की सब्जी मंडी से पहले दिन व्यापारी और किसानों के चेहरे खुशी में दिखाई दे रहे थे, जहां फीता काट कर सब्जी मंडी की शुरुआत की गई, जहां बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान मौजूद रहे हैं। इछावर से जलील खान की रिपोर्ट। अपना परिचय, क्या नाम है सर? मैं राकेश गुप्ता हूँ जी, और मंडी सचिव के पद पर यहाँ पदस्थ हूँ विगत एक माह से। अच्छा सर, आज ये इछावर मंडी में पहले किसान सब गल्ला मंडी के रूप में थी मंडी, आप सब्जी मंडी के लिए चालू हो गए, ऐसे तो नए किसानों के लिए क्या स्वागत में देना चाहिए? किसानों का सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही किसानों की यहाँ पर कि सीहोर से इछावर से सीहोर उनको अपनी कृषि उपज ले जाना पड़ती थी, 20-20 किलोमीटर डीजल पेट्रोल लगा के पूरा दिन परेशान होते थे। कुछ किसान यहाँ से आष्टा भी ले जाते थे बेचने के लिए, तो यहाँ उत्पादन ज़्यादा है लहसुन प्याज का, मैंने देखा यहाँ उत्पादन ज़्यादा है। अब किसानों को ज़्यादा परेशानी होती थी, इसलिए मैंने तत्काल जल्दी से जल्दी सब्जी मंडी चालू की। 2018 में गजट नोटिफिकेशन हो गया था, परंतु व्यवस्था नहीं होने के कारण मंडी का नीलाम कार्य चालू नहीं हो सका था। अब किसानों ने भी आज बोला, कई किसानों ने बोला साहब आपने बहुत अच्छा किया, ये हम लोगों को डीजल पेट्रोल लगता था, सीओ ले जाना पड़ता था, आष्टा ले जाना पड़ता था, अब आपकी ये मंडी चालू होने से हम लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा इसका। आज पहला दिन था तो प्याज जो है 102 क्विंटल करीब आवक हुई आज, और लहसुन की 32 क्विंटल करीब आवक हुई। आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि जो है संभवतः माल या अधिक से अधिक आएगा कृषि उपज मंडी को, टैक्स के रूप में राजस्व प्राप्त होगा। यहाँ पर बरसात में कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती, उससे अब तनख्वाह का गुजारा होने लगेगा, वो मंडी की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। और भी मैं किसानों के लिए प्रयास करूँगा कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा किसान को सुविधा मिले। यहाँ कृषक विश्राम गृह भी है, सुलभ शौचालय भी है, व्यवस्थाएँ पूरी हैं मंडी के अंदर, शुद्ध पेयजल भी है, वाटर कूलर भी लगे हुए हैं यहाँ किसानों के लिए। लेकिन सर, एक व्यापारियों की यहाँ शिकायत है कि यहाँ जानवर अधिक हैं और मंडी कमेटी इनकी व्यवस्था नहीं करती, जिससे अभी एक प्याज का कट्टा भी एक जानवर ने फाड़ दिया था और लोगों के बोरों भी फाड़ दिए जाते हैं, इसके लिए क्या विकल्प व्यवस्था की जाएगी? जानवरों के लिए मैंने नगर पालिका को चिट्ठी लिखी है 2 बार, अभी पुनः उनको चिट्ठी लिख रहा हूँ यहाँ से जानवर हटवाने के लिए। और बाउंड्री जो टूटी हुई है, पहले से ही बाउंड्री टूटी हुई है, उसके लिए मैंने अभी प्रस्ताव जो है मंडी बोर्ड को भेजा गया है, तो शीघ्र ही वहाँ से प्रस्ताव पास हो किया जाएगा, बाउंड्री बन जाएंगी, अनाधिकृत जानवर प्रवेश नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।